Surinder Palji, coming to you, what are your expectations from IIJ Signature Show 2022? As of show, it's first time happening at the Jio Center. So first of all, we feel something very different, exciting at a different exhibition center. This year, we are looking forward that many of the wholesalers should be manufacturing good designs, which would help all the retailers for the coming wedding season also. And hope so. It will be a fantastic and great show. So, Rajendra ji, IIJ Signature hone ja raha hai 2022 January mein abhi 6 tarikh se. So, iske bare mein aapke kya expectations hai, Rajendra ji? एक अच्छा इवेंट हो रहा है, साथ साथ बहुत अच्छी सहलत पिछली दिवाली की हम लोगों ने निकाली है. दिवाली से अब तक चूंकि शादी ब्याह का बहुत अच्छा सीजन था, सहलत बहुत अच्छी निकली है. तो मेरा ऐसा मानना है कि और आगे जनवरी से 14 जनवरी से फिर बहुत अच्छी सहलत है जो कंटिन्यूअस जून तक है. मार्च के कुछ समय छोड़ के कंटिन्यूअस जून तक सहलगी सहलग है. तो निश्चित तौर पर रिटेलर को अच्छी सप्लाईज की रिक्वायरमेंट है और जनवरी की डेट अब की इसकी ऐसी सिलेक्ट हुई है कि जिन डेट्स में हम लोगों को परचेजिंग करनी होगी. तो निश्चित तौर पर IIJ सिग्नेचर हम लोगों की रिक्वायरमेंट है जिसमें कि हम लोग अच्छी परचेजिंग कर पाएंगे. और निश्चित अब चूंकि नया माल बिल्कुल जो भी नई डिजाइनिंग नई चीज मिलेगी तो हम लोगों के लिए वो चीज फायदा करेगी, हेल्पफुल होगी. सो भरत जी, अभी IIJ सिग्नेचर होने जा रहा है जनवरी 6 तारीख से मुंबई में. सो इसके बारे में आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं, IIJ से एक्सपेक्टेशन हर बार रहता है. अगर हम दोनों इवेंट को देखें ना, तो हम लोग पूरे साल को दो में डिवाइड भी करके रखते हैं क्योंकि हर बार डिजाइन चेंज एक नॉर्मल प्रोसीजर में चलता है कि भी कस्टमर भी वेट करता है कि भी इस बार आपका IIJ हो रहा है, आप नया क्या ला रहे हैं. और ये जो सेकेंड हाफ है इसके बाद भी लोग एक्सपेक्ट करते कि भी सब अब क्या चेंज हो रहा है. तो हर टाइम हमारे लिए तो ये दो इवेंट है ना, ऐसा रहता है कि कंपल्सरी जैसा हो गया है. बहुत बढ़िया. और कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप मैन्युफैक्चरर्स को जो एग्जिबिट कर रहे हैं इस बार सिग्नेचर में ज्वेलरी के हिसाब से? जिस तरह से इस बार जो ज्वेलरी सीजन रहा है हम लोगों का, तो डिजाइन्स में, कलर्स में, हर चीज में, हर बार नहीं, इस बार तो काफी नया देखने भी मिला था. तो नेचुरली इस बार सिग्नेचर में भी हमको दिखेगा कि काफी नई चीजें आएगी. Is there any advice to the manufacturers you want to give who are exhibiting at IIJ Signature? So as nowadays the trend is changing and all, so from traditional jewelry to modern couture jewelry, everything is now in trend. So I would just suggest more of different types of collections, and every time now the consumer wants different after every visit, after every season. So I would suggest everyone should more focus on a different type of a collection then their regular manufacturing also. Okay. So which would help us for a newer designs, collections and variety. Excellent. Rajendra ji, koi advice dena chahenge manufacturers ko jo exhibit kar rahe hain signature mein? Weight ko control karke achhi jewelry aur innovative jewelry bane, kyunki ab heere ki taraf kashma 3 lakh ka set 2 lakh ka set bhi jisko chahiye na wo heere ke set ki taraf ja raha hai. To light weight se heavy range हर तरफ हीरे की डिमांड है. तो मेरा कहना है हीरे में बहुत ज्यादा इनोवेशन की जरूरत है. उसी तरह पोल्की की रिक्वायरमेंट बढ़ी है इस समय, पोल्की की डिमांड बहुत अच्छी बढ़ रही है. एंटीक ज्वेलरी की डिमांड अपनी जगह खूब बढ़ी हुई है. तो मेरा कहना है इनोवेशन जितना ज्यादा होगा उतना हमारी इंडस्ट्री को फायदा, और निश्चित रूप से इनोवेशन हो भी रहा है. वेलकम टू मुंबई IIJ सिग्नेचर, एक नया वेन्यू में आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वेन्यू. यस यस, वी आर आल्सो एक्साइटेड. यस यस यस, सो वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर. Yeah.